तो काफी ऐसी चीजें डोनेशन करता है। तो उसको इंटरव्यू में, टेलीविजन में इंटरव्यू पूछ रहा था उसको कि तुम्हारा नाम क्यों लगा दो, नाम तो गुप्त करना चाहिए, तुम क्यों इतना बोर्ड लगाते हो तुम्हारा के ओल्ड पेपर्स उसके नाम पे, ये सभी के कॉलेज उसके नाम पे, ये तो बोलते मैं नाम इसलिए लगा था, मेरे तो मैं तो मर जाऊंगा 50 साल के साथ, ये दिन और मर तो हूं नहीं, मगर मेरा जनरेशन होगा ना, मेरा बेटा का पोता का, वो देखेगा ना तो इंस्पायर होगा, यस मेरा नाना ने दादा ने ये किया था, मेरे हम भी कुछ करना चाहिए, जो मैं गुप्तदान कर दूंगा तो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ये देखेगा ना वो पढ़ेगा ना, मेरे दादा ने ऐसा किया है, स्कूल बनवाई है, हॉस्पिटल बनाए है, ओल्ड पीपल होम बनाए, तो वो भी इंस्पायर, मैं भी कुछ करूं, होगा भी वो और... उसका आंसर में मैं बोला वो सो हम्बल, जैसे ना लोग नाम के लिए अपना नाम कमाने के लिए लगा के देखते, उसने ये रीजन बताया, नहीं उसके हाँ नहीं ठीक बात, उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है इसमें, एक प्लस पॉइंट ये है कि जो वो जनरेशंस आएंगी उनको एक सेल्फ ओरिएंटेड रेस्पेक्ट मिलेगा कि भाई उनका पोता है ये, जो फलाने सेठ जी का लड़का है, ये उनका नातिन है, इन्होंने देखो यहाँ गुरुद्वारा बनवाया था, इन्होंने देखो मंदिर में ये है, बैठो बेटा बैठो, तुम आओ इधर आ जाओ कुर्सी, तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये ऐसे ही अगर हमारे पुराने पूर्वजों के पुण्य का फल हमें मिलता है, ऐसी पाप का भी मिलता है। अगर ये पुण्य के लिए कुर्सी बिछा रहा है कोई, अगर कोई पुण्य के लिए कुर्सी, हाँ अगर हमें पुण्य के लिए कुर्सी डाल रहा है तो कहीं से हम पता भी नहीं चलेगा, हम कहीं से रिजेक्ट भी होते चले जाते हैं जीवन में, कि हम पीछे होते जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। वो पितृ पक्ष वाला जो प्रश्न था वो यहाँ आके फिर उससे जो है एक कोरिलेट हो जाता है वो, कि फिर आप उस चीज को धोते हो कि अगर पूर्वजों से कोई गलती भी हो गई तो आपने उनके निमित्त जो चीज की उससे वो चीज फिर बैलेंस होती है और ठीक होती है। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब भी आप कोई देखिए दाता, दाता कहा गया, दाता मतलब देने वाला, गिवर, जो जो मतलब सिकर नहीं है वो किसी को कुछ दे रहा है, तो जो गिवर है वो तो सबसे बड़ा गिवर तो परमात्मा है, उसी लिए दाता, इसलिए उसको कहा गया कि वो विधाता है और दाता है। तो अगर मनुष्य योनि में आने के बाद कोई व्यक्ति सामान्य चीजों को छोड़ सकता है तो वो छोटा मोटा सा भगवान तो उसे भी मान ही लो आप, क्योंकि वो भी आदमी सामान्य रूप से छोड़ नहीं पाता। मनुष्य जीवन में हमारी अपनी तृष्णाएं, हमारी अपनी ख्वाहिशें, हमारे अपने जरूरतें और हमारे अपने ड्रीम्स और वो सब हर एक को छोटे ही लगते हैं, वो चाहे कोई भी हो जाए उन्हें लगता है नहीं अभी हमें और पैसा होना चाहिए, वरना इतने लोग बिजनेस क्यों करें फिर, ये टाटा बिरला अंबानी सब कमाए जाते चले जाते, एक बार तो बंद कर देना चाहिए, अब तो हो गया सब, नहीं करते रहते चूंकि उनको कमी लग रहा है इसीलिए तो कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे अगर होने लगे। तो वो जब आप बांटते हैं तो उसके काम में हाथ बटाते हैं, वो जब उसके काम में हाथ बटाते हैं तो आपकी तरफ खुश होता है, आपके प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा होता है, वो सोचता है मैंने इसको जन्म देकर दुनिया में अच्छा किया, ये अच्छा इंसान है, और फिर आपके जीवन में सुख आने लगते हैं। जब परमात्मा की अच्छी दृष्टि आपकी तरफ आती है तो आपका जीवन अच्छा होने लगता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, आपकी सब चीजें अच्छी होने लगती है। Tum